हेलो दोस्तों, तो आज है अपने फॉर्म में कॉकरेल का चिक्स का दोस्तों 18वां दिन। और अब आज हम बात करेंगे जो कॉकरेल का चिक्स होता है उसको कितने घंटे भूखे रखना चाहिए, कितने टाइम उसको फीड देना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई चैनल में नए आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों आप ये देख रहे हो, इसको अभी दोस्तों हमने जो कॉकरेल का चिक्स है इसको हमने 4 से 5 घंटे तक बच्चे को भूखा रखते हैं हम, कि ताकि जो बच्चा का लीवर है वो काफ़ी अच्छा रहे। जो मुर्गा है दोस्तों वो अच्छा खासा दौड़ता है, अच्छी रेस पकड़ता है। तो मैं बात करूं इसकी, जो आज 18वां दिन है और जो इसका वेट है लगभग दोस्तों 250 से 300 ग्राम कुछ मुर्गा आ चुका है, आप देख सकते हो। 200 ग्राम से दोस्तों लगभग सभी मुर्गा आ चुका है। बाकी जो मुर्गा है अभी हम मुर्गे को बराबर फीड भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में दोस्तों सुबह में क्या होता है, जैसे ही बच्चा पानी पीता है दाना खाता है तो बच्चे को क्या ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, फिर बच्चा गुल मारता है। इसके वजह से जो कुछ भी है जो ज़्यादा फीड हम दिन में ही देते हैं। और आप दोस्तों किस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग करते उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि हमें भी आपसे नई नई तरह की जानकारी मिलती रहे। अभी देख सकते हो अभी जब अपने जितने भी दोस्तों पानी के जो डेंकर रहते हैं दाना पानी के पूरे सब खाली है, क्योंकि बच्चे को हम दोस्तों भूखा भी रखते हैं, थोड़ा बहुत प्यासा भी रखते हैं। और अभी हम दवा में दोस्तों इसको कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी भी निकल गई है इसकी। अभी पूरा इसको छन्ना पानी ही दे रहे हैं, ताज़ा पानी फ्रेश। अभी दोस्तों जो अपना कॉकरेल का चिक्स है वो पूरा तरह से बिक चुका है, उसके बारे में मैं आपको दोस्तों वीडियो अपलोड कर दूंगा कल उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।